नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। महिलाएं घर में रहकर सोशल मीडिया पर तमाम ऐप्स को बिना पढ़े बिना समझे इस्तेमाल कर लेती हैं, लेकिन बुल्ली बाई नाम के एक ऐप ने ऐसी तबाही मचाई कि कुछ महिलाओं की जिंदगी को ही दांव पर लगा दिया। जी हां, ये ऐप खासकर मुस्लिम महिलाओं को अपना निशाना बना रहा था। इसमें ऐसी ऐसी तस्वीरें वायरल और बातें लिखी जा रही थी जिसने सरकार को भी टेंशन में डाल दिया और आखिर में इस ऐप पर मोदी का हंटर चला। आखिर क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। महिलाओं की सूली चढ़ाने वाले एक ऐप ने इन दिनों सोशल मीडिया पर भूचाल मचा दिया है। इस ऐप का नाम है बुल्ली बाई। बुल्ली बाई नाम के इस ऐप पर मुस्लिम महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है। उनकी फोटो इस्तेमाल कर ऑनलाइन बोली लगाई जा रही थी। यहाँ उनके खिलाफ नफरत और गंदी गंदी बातें लिखी जा रही है। दरअसल बुल्ली ऐप ठीक उसी तर्ज पर काम कर रहा है जिस तर्ज पर कुछ दिन पहले सुली डील ऐप आया था। सुली डील को गिटहब पर लॉन्च किया गया था, अब बुल्ली बाई को भी गिटहब पर लॉन्च किया गया है। बुल्ली बाई ऐप पर इस बार ट्विटर और फेसबुक पर दमदार मौजूदगी रखने वाली 100 महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है। बुल्ली बाई पर मुस्लिम महिलाओं के मानसिक उत्पीड़न का मामला तब सामने आया जब एक महिला पत्रकार ने ट्विटर पर अपनी आपबीती साझा की। इस ऐप को डेवलप करने वाले लोगों ने इस महिला पत्रकार की फोटो बुल्ली बाई ऐप पर शेयर कर दी और इस पत्रकार के लिए लोग गलत गलत कमेंट करने लगे। कई लोगों ने ट्विटर के जरिए इस पर नाराजगी जाहिर की। हालांकि अपनी फोटो पब्लिक करने के बाद महिला पत्रकार ने दिल्ली पुलिस के साइबर सेल में इसकी शिकायत भी दर्ज करवाई, जिसके बाद इस मुद्दे पर सियासत शुरू हो गई। ट्विटर पर कांग्रेस के दिग्गज नेता शशि थरूर ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा, किसी को ऑनलाइन बेचना एक साइबर अपराध है और मैं पुलिस से तत्काल कार्रवाई के लिए आह्वान करता हूं। अपराधी दंड के पात्र हैं। उधर शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी बुल्ली डील्स को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा, इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन साइटों को ब्लॉक कर दिया गया। सुली डील के बाद बुल्ली डील के आने को लेकर उन्हें 30 जुलाई और 6 सितंबर को सूचना प्रसारण मंत्री को लेटर लिखा था, जिसका जवाब 2 नवंबर को मिला। वहीं सूचना तकनीकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सफाई देते हुए कहा, गिटहब ने उन्हें 1 जनवरी की सुबह को ही बताया कि इस यूजर को लॉक कर दिया गया है। कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम और पुलिस इस बारे में आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। इसके जवाब में प्रियंका चतुर्वेदी ने अश्विनी वैष्णव का धन्यवाद किया। लेकिन हैरानी हो रही है कि ये ऐप खुलेआम महिलाओं को निशाना बना रहा है, लेकिन अब इस ऐप पर मोदी सरकार का तगड़ा हंटर चलने वाला है। बुल्ली बाई ऐप पर खास तौर पर मुस्लिम महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है। इस ऐप को खोलने पर यूजर को इन्हीं महिलाओं की अलग अलग तस्वीरें दिखती हैं। फिर यूजर इनमें से एक महिला की तस्वीर को बुल्ली बाई ऑफ द डे चुनता है। इसके बाद उस महिला की बोली लगाई जाती है। सोशल मीडिया पर बवाल मचने के बाद केंद्रीय सूचना तकनीकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जवाब दिया है। उनका कहना है, गिटहब प्लेटफॉर्म ने उस ऐप यूजर को ब्लॉक कर दिया है जिसने इसे बनाया था। आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। जय हिंद।